नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सच पर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम अपने घर के आसपास अगर उगता हुआ भी देख लेते हैं तो तुरंत उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी भी पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में सुना है? और हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्षों के बताए गए महत्व के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? क्या आपको कभी किसी ने यह बताया है कि पीपल आपकी हर तरह की समस्या का अंत कर सकता है और जब आपके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, आपको कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो केवल पीपल की शरण में जाने से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है? और तो और, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कलयुग में साक्षात देवी वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आखिर शास्त्रों में पीपल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? और सिर्फ पीपल को छूकर कौन सा मंत्र बोल देने से आपकी हर इच्छा हाथों हाथ पूरी हो जाएगी? और पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए? और पीपल की पूजा आराधना करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? और जो लोग पीपल के बारे में यह कहते हैं कि पीपल पर भूत प्रेत भी निवास करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और ऐसे कौन से कम है जो पीपल के नीचे हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए? तो अगर जानना चाहते हैं आप इन सभी सवालों के जवाब, तो आज की वीडियो में आपके लिए हम यही लेकर आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सच पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, पीपल को कलयुग में साक्षात देव वृक्ष कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में पीपल हूँ। इसके अलावा अथर्व वेद और छांदोग्य उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में शिव जी का निवास होता है। और लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से पीपल पर ही निवास करते हैं। केवल भगवत गीता ही क्यों, स्कंद पुराण में भी स्वयं नारायण कहते हैं कि पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में स्त्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो पीपल कलयुग में सर्वजन के लिए कल्याणकारी वृक्ष है। और हिंदू धर्म कहता है कि पीपल की पूजा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको यह भी बता दें कि जो विद्वान यह समझते हैं कि पीपल के नीचे भूत प्रेत और बाधाओं का निवास होता है, उन्हें यह जानना चाहिए कि केवल हफ्ते में रविवार के दिन ऐसा होता है जिसने पीपल के भीतर दरिद्रता निवास करती है। तो शास्त्रों में भी रविवार के दिन पीपल की पूजा को वर्जित बताया गया है। आपको रविवार को न तो पीपल को जल देना चाहिए और न ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी आपके घर के आसपास पीपल रहा हो और उसे कटवाना हो तो आप रविवार का दिन चुन सकते हैं, इसलिए आपकी दरिद्रता का नाश होगा। दोस्तों, धर्म कहता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि पीपल हमेशा घर से दूर लगाया जाए और घर पर भूल से भी पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल के फायदे देखे जाएं, तो दुनिया भर के सभी वृक्षों में केवल पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में कई तरह की औषधियां भी पाई जाती हैं, जो कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने के काम आती है। अगर हम शास्त्र को गहराई से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल के पत्ते पत्ते में भगवान वास करते हैं। अगर रविवार के अलावा किसी भी दिन आपने पीपल के पेड़ को कटवाने सोचा भी तो इससे आपके घर के पितरों को दुख भोगने पड़ते हैं और तो और आपके वंश वृद्धि में भी रुकावट आती है। लेकिन अगर आप किसी विशेष उपाय के लिए पीपल को करवाना चाहते हैं तो आपको इसकी नियम अनुसार पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पीपल की लकड़ी को करवाना चाहिए। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि पीपल की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए।
और उसका क्या फल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आप रविवार का दिन छोड़कर हफ्ते के सभी दिन पीपल की पूजा और आराधना कर सकते हैं, और अगर आप अमावस्या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर होती है, क्योंकि अमावस्या पर भी बल्कि वृक्ष में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो अगर आप अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पद्म पुराण कहता है कि पीपल को केवल प्रणाम और उसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो अगर आपको बीमारियों ने घिरा हुआ है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आपको कम से कम पीपल की 5 परिक्रमा और उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे आपके हजारों पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही आपकी आयु भी बढ़ती है। और यदि हफ्ते में हर रोज रविवार को छोड़कर पीपल को जल और गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करते हैं तो आपके कुंडली के दोष शांत होते हैं और आपके दुर्भाग्य का भी नाश होता है। ऐसे तो पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पीपल में पितरों का निवास माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में तीर्थ नहीं जा सकते हैं तो आप केवल पीपल की 11 परिक्रमा कर लीजिए, आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग शनि की वक्र दृष्टि से परेशान होते हैं, ब्रह्म पुराण के 118 श्लोक में कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है। और अगर आप इसी के साथ ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करते हैं तो शनिदेव आपको आपके 6 कर्मों का फल देते हैं और आपके धैर्य और 7.5 शांत होती है। दोस्तों, अगर आप शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, सब दूर हो जाते हैं और आपके कई तरह की शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा और व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र भी कहते हैं। अगर आप परेशानियों से घिरे हैं और आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप जीवन में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस पीपल की शरण में चले जाइए। अगर आप सच्चे मन से पीपल से हाथ जोड़कर उसे छूकर मन ही मन प्रार्थना करेंगे और ओम नमः आए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो यकीनन कुछ ही समय में आपकी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ईश्वर की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं अगर आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा रोगी है जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उसकी तकिए के नीचे पीपल की जड़ को रख देना है, असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ यह भी मान्यता है कि अगर आप उस सावन के महीने में अमावस्या और सभी शनिवार को पीपल के नीचे महादेव का शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं और पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपके जीवन में चमत्कारी फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखना चाहते हैं तो पीपल के नीचे बैठकर पीपल की 11 पत्तों को लीजिए, इन पर लाल चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की एक माला बनाकर आप हनुमान जी की मूर्ति को पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट और दोषों का नाश होगा। दोस्तों, स्कंद पुराण कहता है कि प्रत्येक महीने की हर पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी खुद भी बल्कि फेरी लगाने के लिए आती है। तो अगर आप अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं, तो पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे कच्चे दूध और जल से पीपल का विषय कीजिए और फल फूल नैवेद्य चढ़ाकर माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र की एक माला का जाप करके दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपका व्यापार में ही चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, हर शनिवार को एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है, इस पर चंदन से आपको एक स्वास्तिक बनाकर अपनी दुकान पर रखना है, आप केवल 7 शनिवार को ऐसा कीजिए और इन्हीं पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में बरकत होगी और आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा।